अस्सलामुअलैकुम। शेयर कर रही हूँ पार्सल, एक मैंने मंगाया था दराज से, रिजनेबल लगा था मुझे इसलिए मैंने मंगा लिया था। ये मुझे पड़ा है 1060 रुपये का। ये बैग मंगाया था मैंने, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये देखें आप, ये सिर्फ डिलीवरी के साथ मुझे पड़ा है 1060 रुपये का। ये देख सकते हैं, ये अभी भी दराज पे मौजूद है, अगर आपने बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। और इसके अंदर छोटा सा ये पाउच भी है, ये और ये है इसका पैक। ये देखिए इसमें काफ़ी कलर है, आपको जो पसंद हो, मुझे ये पसंद था इसलिए मैंने ये मंगा लिया। और ये आप देख सकते हैं क्यूट सा है, तो ये मैंने मंगा लिया था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप भी मंगा लीजिएगा। मैं दिखाना भूल गई थी कि इसमें ये भी है, ये आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पे ये लगता है, चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हाँ, ये मैंने लगा दिया था क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल होता है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर वो सही तरीके से नहीं मिलती। ये देखें आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, देखें मेरे हाथ में मोबाइल है ना, इसलिए थोड़ा सा उसको मैं सही कर देती हूँ। देखें हो गया ये, आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं इस तरीके से। मैंने कपड़े निकाले पहनने के लिए, अभी मुझे मैंने रेडी होना है नमाज के लिए, तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी। ये देखें कितना प्यारा है, क्यूट सा, 1000 रुपये में तो बहुत अच्छा है। चलें अब अपना काम शाम, सही से नजर नहीं आ रहा, थोड़ा दूर हो जाओ। चढ़ाया था बॉयल होने के लिए, लोबिया हमारा ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, फेवरेट दाल दिखाओ, ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, बस इसको तड़का लगाना है। साथ में मैं बनाऊंगी रोटी, और जो है ना नमाज़ पढ़ रही थी, बस नमाज़ पढ़ने के बाद इसको तड़का लगाऊंगी और लंच तैयार कर। लोबिया हमारे पक चुके हैं, मैंने तड़का लगा दिया, इसको मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़े के बने। और मैं रोटी बना रही हूँ और सैलड में मैंने वो भी काट दी, और अभी मेरे जो है ना कुछ बची हुई है रोटियाँ बाकी है। हाँ सलाद ही होता है ना ये मूली, सलाद ऐसे नहीं होता, कैसे होता है सलाद, बहुत सारे होते हैं। हाँ लेकिन अभी हमारे पास यही थे तो हमने सिर्फ यही डाल दिए, तो बस अभी हम रोटियाँ बनाती हूँ फिर हम लंच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी व्लॉग मैंने जब शुरू किया था ना तो मुझे समझ में नहीं आता है, बस जिस टाइम में मुझे मौका मिलता है मैं उस टाइम मोबाइल उठा लेती हूँ, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पिछला जो मैंने आपको दिखाया है ना तो वो 2 दिन का, जैसे कि आपस में व्लॉग है, बीच में लंच आ गया था, मैं कपड़े सी रही थी, जब कपड़े पूरे होंगे मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं ने कैसे सिए थे। बीच बीच में मेरे टाइम मिलता है थोड़ा सा तो मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, अपने कपड़े मैं खुद सीती हूँ। तो बस ये बाज़ार से कुछ कपड़े लाए थे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है लोन का दुपट्टा है, ये कपड़े हैं, साथ में ब्लैक कलर की शलवार है, ये इतना बड़ा सा जो है ना इसका दुपट्टा है, कमीज है, तो बस मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये इसका लोन बहुत प्यारा है, तो बस ये देखिए इतना प्यारा सा इसका दुपट्टा है। आगे गर्मी आ रही है कराची में, तो
बस गर्मियों के कपड़े ज़्यादा चलते, सर्दियों के आप बना दो लेकिन वो पड़े ही रहते, कभी भी पुराने नहीं होते, क्योंकि तो उतने पहने नहीं जाते तो फिर वो पड़े ही रहते। तो ये है दामन इसका और ये गला है। अच्छा, ये प्रिंट वाले डिज़ाइन जो है ना, ये भी पुराने हो गए, लेकिन इसका कपड़ा बहुत प्यारा था तो इसलिए ले लिया है। ये जो है ना, जिसमें प्रिंटेड ये गले होते थे ना, तो ये भी बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत पहले ये निकले हुए हैं। और अभी तो जो है ना, गलों के बगैर के डिज़ाइन आए हुए हैं, जो जिसमें गले का डिज़ाइन नहीं होता है। इसी तरीके का ये भी, ये गर्म सूट है, ये जैसे सर्दियों में पहने जाने वाला सूट है, तो ये भी अच्छा है। इसका कलर भी प्यारा है और साथ में इसकी शलवार और इसका इतना बड़ा दुपट्टा, दुपट्टे बहुत बड़े बड़े हैं आजकल, वो जैसे शॉल जैसे दुपट्टे होते हैं, बड़े बड़े दुपट्टे हैं इसके भी। एक ये डिज़ाइन हो गया, ये बच्चों के कपड़े जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये है शर्ट, बच्चों के साथ ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, शर्ट है और इसके साथ है पैंट। अच्छा, जो कपड़े दिखाए मैंने आपको शुरू में, ये हमने लोकल मार्केट से लिए हैं, तो ये हैं तकरीबन 1800 के हैं। और साथ में ये जो सूट है ना, ये हमें 900 का पड़ा है। कितना प्यारा इसका कपड़ा है और इसकी पैंट भी बहुत प्यारी है। ये थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन है, इसलिए थोड़ा महंगा है, ये 1300 का पड़ा है हमें। और ये जो है ना, न्यू जैसे डिज़ाइन आया हुआ था, तो ये है 1300 का। और इसका, इसकी पैंट भी बहुत प्यारी है, ये देखिए इसकी पैंट का जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, बहुत प्यारा है। और बच्चों के साथ ऐसे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के स्टाइल का दूसरा है ना, तो वो स्टाइल इसका यही है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। कलर इसका ये फिरोजी कलर है, बाकी स्टाइल जो है ना इसका यही है। इसकी पैंट पे जो है ना, ये कमीज का वो लगा हुआ है, डिज़ाइन की कलर का बना हुआ है। इस नेक सूट ये है। इसी के साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। ये सूट था, इसका भी इस तरीके का प्रिंट बना हुआ है, इसमें गोल्डन कलर का ब्लैक कलर का है। ये कैमरा सही फोकस नहीं पकड़ रहा था, इतना ब्लर ब्लर पता नहीं क्यों आ रहा है, लाइट की वजह से शायद। बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा भी मैं क्या करूँ क्या बनाऊँ, तो फिर रोटियाँ बनाऊँ चावल बनाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं ना स्पेशली बना देती हूँ, अच्छा होगा। और ये देखिए मेरे बच्चे ने फिर कमरे का हाल बुरा कर दिया, बस मैं सही करते रहती हूँ, बच्चे ख़राब करते रहते हैं, सारा दिन यही काम चल रहा होता है। बस मैंने सिंपल सा, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था मैक्रोनी, मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया मैंने कैसे बनाई, इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। बस इसमें फ़र्क यह होगा कि मैं इसमें स्पेगेटी डालूंगी, दैट सेट बाकी बिल्कुल नहीं है। अब इसमें डालूंगी मैं अपनी स्पेगेटी, बस इस टाइम मुझे यही आसान लगा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बच्चों का भी फेवरेट है, तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ। क्या मैं अलग रोटियाँ बनाऊँगी, अलग सालन बनाऊँगी, तो मैं यही बना देती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी स्पेगेटी हो गई है रेडी। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जैसे मैंने मैक्रोनी का मसाला बनाया था वैसे ही मैंने इसका भी मसाला बनाया हुआ है। जी बेटा, सबसे पहले जाएगी मोहम्मद की, क्योंकि मोहम्मद की बहुत ज्यादा फेवरेट है। आपको भी दे रही हूँ बेटा, मम्मा अच्छे चप्पल मेरे।
चप्पल अच्छे के यार नीचे गिर गया मामा, मोबाइल के चक्कर में नहीं करो नहीं करो हाथ जल जाएगा। अच्छे चप्पल अच्छा ना बेटा पहने क्यों है आपने रखो मेरे को और भी दो तो दोस्तों ये आखिरी इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप भी ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े की स्पेशल वीडियो के। बहुत मज़े की। अपना लाइक।